स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने कृषि विभाग तथा राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड आयुष मंत्रालय के क्षेत्रीय एवं सुगमत केंद्रीय जोगिंद्रनगर द्वारा संयुक्त तत्वधान में आयोजित किसान सम्मेलन का शुभारंभ किया। सुलह विधानसभा क्षेत्र के भेड़ू महादेव में आयोजित इस शिविर में जड़ी बूटी और प्राकृतिक खेती के बारे में किसानों को जागरूक किया जा रहा है। सम्मेलन में किसानों, वैज्ञानिकों, खरीदारों और विक्रेताओं को एक मंच भी प्रदान किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कृषि विभाग के अधिकारियों से आह्वान किया कि किसानों के खेतों में पहुंचें और खेतों में प्रैक्टिकल के माध्यम से लोगों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करने का कार्य निर्धारित करें। मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना आरंभ की है। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 25 करोड़ से कम बजट का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती में कृषि, बागवानी तथा पशुपालन विभाग ही कार्य कर रहे थे, लेकिन अब आयुर्वेद उत्पादों को भी प्राकृतिक खेती से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि जड़ी बूटी उत्पादन के लिए आयुष मंत्रालय ने सुलह हलके में जमीन और किसानों की तलाश की है जो जड़ी बूटी उत्पादन करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती की पहल प्रदेश के राज्यपाल ने की, इसके सार्थक प्रयासों के सामने आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि इससे हम जहर मुक्त वातावरण तैयार कर रहे हैं और खेती की लागत भी कम हो रही है और जमीन में उर्वरकता शक्ति भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि देसी गाय लेने के लिए 50% अनुदान के लिए प्राकृतिक खेती से जुड़ने वालों के कई प्रकार के अनुदान दिए जा रहे हैं। ये जागृति है और मैं इसके लिए अपने प्रदेश के जो आदरणीय गवर्नर साहब हैं, उन्होंने इसमें पहल ली है। श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने बजट में प्रावधान किया 25 करोड़ और अभी इस कुछ दिनों के बाद हमारा शिमला में बजट सेशन शुरू होने वाला है। धनराशि शायद और बढ़ेगी, ये मैं कह सकता हूं। मामला प्रदेश मुख्यमंत्री जी के पास होता है, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो सार्थक प्रयास हो रहे हैं, उन सार्थक प्रयासों में गाय के गोबर से जो घोल बनेगा, शायद कई बार हमें भी लगता था जब शुरू शुरू में महामहिम गवर्नर जी का भाषण सुनते थे कि घोल से क्या औषधीय या उससे खेती की उर्वरक शक्ति बढ़ेगी। भाइयों और बहनों, अब ये भाषणों तक सीमित नहीं है, खेती से जुड़े हुए वैज्ञानिकों ने जो शोध किया है, जो परिणाम सामने आए हैं, उसमें परिणाम चौंकाने वाले हैं कि ऐसी प्राकृतिक खेती जो सस्ती भी होगी और उर्वरक शक्ति भी बढ़ेगी, खेती भी अधिक होगी, ये प्रयोग महामहिम जी ने कुरुक्षेत्र में किया है और ये प्रयोग प्राकृतिक खेती का अब हिमाचल प्रदेश में भी शुरू हो चुका है। हमारा कृषि विभाग बिल्कुल सामने बैठा है, मैं इनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा तंत्र है कृषि विभाग का, वो भी अब खेतों में जाए, टारगेट निश्चित करें, लोगों को समझाएं कि भाई ये जो शून्य लागत प्राकृतिक खेती है, इसमें कई बार जानकारियों का अभाव होने के कारण हम उन जानकारियों से को प्राप्त नहीं कर पाते। और फिर अंत में बात क्या आती है कि जी सरकार योजनाएं तो बहुत चलाती है, पर वो अखबारों और टीवी पर ही होती है, अखबारों और टीवी पर खबरें जो होती है वो यथार्थ होती है। मैं अपने कृषि विभाग से कहना चाहता हूं कि आप जगह जगह स्थान स्थान पर छोटे बड़े जागरूक कैंप लगाएं, ताकि गाय के लिए, देसी गाय को खरीदने के लिए जो सब्सिडी उपदान का 50% प्रावधान किया गया है और उसके गोबर से जो घोल बनेगा, उनको भी समझाएं, पढ़ाएं, डायरी में लिखवाएं, नहीं तो हमारी ये याददाश्त जो है कुछ घंटों के बाद ही हमारे दिमाग से निकल जाती है।
कुछ नई नई बातें हमारे दिमाग में आती हैं और